वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फुमामर अंसारी, आप सभी लोगों का अवतार तृतीया यानी कि अवतार 2 के डे नंबर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर 7 में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? वी आर इन द एंड गेम्स, जस्ट फ्यू आवर्स टू गो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 घंटे बचे हैं, जहां पर पहला शो जो है इंडिया का सुबह रात जो भी बोल लीजिए 12 बजे शुरू होने वाला है, सिर्फ 10 घंटे। तो अभी 2 बजे एपिसोड आ रहा है, उसके बाद रात को फाइनल एपिसोड आएगा 11:30 बजे, जहां पे मैं आपको फाइनल एडवांस बुकिंग बताऊंगा। इसी नोट पे चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश 3D 6.82 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है रात से लेकर सुबह, ऑलमोस्ट 50 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। 2,07,800 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, ये सिर्फ फ्राइडे बोल रहा हूं मैं यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे संडे ये डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे इज इम्पोर्टेंट, सैटरडे की एडवांस बुकिंग हम सैटरडे को ही डिस्कस करेंगे 322 रुपए में। तो जितने लोगों को लग रहा है अवतार की टिकट 500-600 रुपए की है, आप 320 रुपए में भी इंग्लिश 3D में इसको इंजॉय कर सकते हो। बात करो IMAX 3D की, 2.03 करोड़ ये फिल्म ने पैसा कमा लिया है। 21,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, 950 का ATP है। 4DX 3D 73 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, 7,840 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, 7,840 940 रुपए का इसका टिकट प्राइस है। ऑल बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम टिकट प्राइसेस अवतार 2 जो है वो 40-45 करोड़ का मैजिकल टोटल जो है उसको टच करने की कोशिश करेगा। 50 करोड़ देखिए गाइस अब थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि गाइस एडवांस बुकिंग है साउथ में वो पागलपने की चल रही है, क्रेजी है। मैंने आपको आज से 2 दिन पहले ही जब हम आंध्रा का बॉक्स ऑफिस यानी कि इसके तेलुगु 3D का बॉक्स ऑफिस डिस्कस कर रहे थे, लुक एट तिरुपति 72% ऑक्यूपेंसी, नेल्लूर 68, राजमुद्री 72, काकीनाडा 88, महबूबनगर 75, करीमनगर 60, क्रेजी एडवांस चल रहा है, विजयवाड़ा 58 चल रहा है, हैदराबाद 82% चल रहा है। ये तो उनकी लैंग्वेज की है, तेलुगु वर्जन की, इंग्लिश वर्जन भी साउथ में फाड़ रहा है। एंड जो टिकट प्राइसेस है, अब एग्जांपल देख लो, तेलुगु 3D 160 में देख रहे हो, इंग्लिश 3D 320 में देख रहे हो, एंड इंग्लिश वर्जन भी जो साउथ में गया है वो भी अच्छे खासे कम प्राइसेस में गया है। इसलिए मैक्सिमम चंक ऑफ द एडवांस बुकिंग इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, एंड गाइस ये इसकी फिल्म को कलेक्शंस को पुश दे रहा है। नॉर्थ में जिस तरह का एडवांस बुकिंग हिंदी 3D एंड इंग्लिश 3D में होना चाहिए था उस कदर का नहीं हुआ है। इसीलिए टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, अवतार 2 जो है पहले दिन अब 50 करोड़ रुपया नहीं कमाएगा। ऑल सेड एंड डन, सब कुछ निर्भर करता है वॉक इन ऑडियंस पे, वॉक इन ऑडियंस इसको कहां ले जाती है, एंड वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। 3 घंटा 12 मिनट की फिल्म है, क्या वो ऑडियंस को बिठा पाएगी सिनेमा घरों में, क्या ऑडियंस इसका मजा ले पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि गाइस कल से है ना, जो वॉक इन ऑडियंस है जो पैसा दे के जाती है उनका वर्ड ऑफ माउथ आएगा। अब तक तो बस था कि 12-13 साल लगी फिल्म बनने के लिए, वो ऑडियंस जो जाएगी पैसा खर्चा करके उनका वर्ड ऑफ माउथ सबसे महत्वपूर्ण रहता है, और भैया वो ही डिसाइड करते हैं कि फिल्म का वर्डिक्ट क्या होगा। तो कल उसके इंतजार कीजिए आप लोग, तब मजा आएगी। लेकिन डिस्पाइट दैट मुझे लगता है कि अवतार 2 डज नॉट नीड एनी रिव्यूज, हर आदमी जिंदगी में एक बार तो फिल्म देखेगा ही देखेगा। लेट्स सी गाइस, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भैया अब बहुत कम समय बचा है, हमको देखना भी है फिल्म। बात करो इंग्लिश 2D की, 61.5 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, 20,430 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, 315 रुपए का ATP है यहाँ पर। हिंदी 3D 2.53 करोड़, आस्ते आस्ते हिंदी 3D तेलुगु के थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, 81,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, 280 से 290 अब हिंदी में 3D में फिल्म देख सकते हो, क्योंकि तेलुगु 3D 2.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। लेकिन व्हाट मैटर्स मेरा भाई, यहाँ पे हिंदी में 80,000 की टिकटें बिकी है, यहाँ पर 1.5 लाख टिकटें बिक गए तेलुगु में, इसीलिए तेलुगु एंड साउथ में एक कलेक्शन जो है इसके ज्यादा आने वाले है। 160 रुपीज का ATP है यहाँ पर। तमिल 3D भी ज्वाइनिंग इन द पार्टी, 1.38 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है तमिल 3D की, 75,000 टिकट सोल्ड एंड 170 का ATP। इसी के साथ ब्रेस योरसेल्फ, सिर्फ एक रात में, सिर्फ 12-13 घंटों में यहाँ पर इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 1.65 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। वो एडवांस बुकिंग या हमारी बड़ी बड़ी फिल्में पूरे फ्राइडे तक नहीं कर पाती है। इसी के साथ अवतार 2 ने अब 16.65 यानी कि 16.65 करोड़ की एडवांस बुकिंग जो है वो यहाँ पर कर ली है। 5,64,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, भाई बाबा ये तो पसीना आ गया बाबा, इतना फास्ट रिस्पांस है। शो काउंट देखते हैं, मुंबई
545 इंग्लिश 2D शोज है, 60 ऑलमोस्ट फुल शोज है, एंड अब हिंदी शोज जो है 319 से 329 हो गए। टोटल मुंबई शोज 1035, 4DX सब जगह सोल्ड आउट हो चुका है। मुंबई या दिल्ली में इक्का दुक्का सीट्स आपको मिल जाएगी। दिल्ली NCR 416 शोज इंग्लिश 3D, 50 हाउसफुल, हिंदी 331 से 334 हो गया है। आईमैक्स वर्जन 68% ऑक्यूपेंसी पर चल रही है, एंड दिल्ली में अब 957 शोज हैं, रात तक 100 हो जाएंगे। पुणे द मैजिक इंग्लिश 3D 187 से 191, 25 हाउसफुल, IMAX 63% ऑक्यूपेंसी, हिंदी शोज 134 से 138, पुणे मैदान में उतरा है 380 शोज लेकर। लेकिन द असली खेल इज बेंगलुरु। बेंगलुरु पॉप लेवल का कलेक्शन कर रहा है, 552 इंग्लिश शोज में, 3D शोज में 165 हाउसफुल है, एंड 130 फास्ट फीलिंग है। IMAX 90% है, हिंदी 14 शोज है, 770 के ऊपर शोज लेके मैदान में उतर रहा है। हैदराबाद मैजिक 307 इंग्लिश 3D शोज, ऑलमोस्ट 180 फुल, सॉरी 307 से अभी 318 हो गया है, 180 फुल है, हिंदी 40 है, इंग्लिश 2D 145 है, प्लस तेलुगु शोज ऑलमोस्ट 500 प्लस शोज लेके मैदान में उतर रहा है। सो गाइस ये फिल्म कहीं ना कहीं 44 से 46 करोड़ कमाएगी। अगर वॉक इन ऑडियंस नहीं जाती है तभी ये 40 करोड़ के नीचे आएगा, 50 करोड़ थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वेरी फ्रैंक विद माय ऑडियंस, मुझे बोल दूंगा 50 करोड़ जाएगी पिक्चर, नहीं जाएगी तो मेरे पे आएगा ना, इसलिए जाएगी वेरी गुड, आई बी वेरी हैप्पी। आई वॉन्टेड टू गो अबाउट 50 करोड़ लेकिन नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है, 44 टू 46 करोड़, दैट्स माई प्रेडिक्शन। रात को बढ़ा तो 47 तक जाएगा, नहीं बढ़ा तो वापस मेरा प्रेडिक्शन 42 से 44 आ जाएगा। टिकट्स बुक करो जाकर, टिकट की महामारी चली है, अच्छी सीट्स में देखना है, IMAX में देखना है तो भैया उसके लिए मंडे इंतजार करना पड़ेगा, तीनों दिन IMAX तो फुल जा रहा है। ओके, स्मैम साइनिंग ऑफ, यू कैन सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।